नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय भूषण। आज मैं आपको लेके आया हूं दोस्तों द्वारका में। द्वारका में कहां? सोसाइटी का फ्लैट दिखाने। CGHS कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी द्वारका सेक्टर 19B पॉकेट के अंदर, 19B के अंदर अरविंद अपार्टमेंट है। फेबुलस फ्लैट है दोस्तों, मजेदार फ्लैट है। ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं ना कि आसपास सारी की सारी ग्रीनरी हो। थोड़ा सा दूर है इसके मार्केट, बट ग्रीनरी आसपास कम से कम 6 तो पार्क है। यहाँ पे सोसाइटी के अंदर 2 पार्क है। ये जो हम जिस फ्लैट के अंदर खड़े हैं, ये 3rd फ्लोर पर है। 4 बेडरूम है, 3 टॉयलेट है, किचन है, 3 बालकनी है, पार्क फेसिंग है और ऑफ कोर्स लोनेबल है। 2 लिफ्ट लगी हुई हैं। आपको सारे के सारे CGHS की जो सोसाइटी, जो फैसिलिटीज़ होती हैं, बिजली पानी तो है ही है, फैसिलिटीज और एमिनिटीज सारी की सारी है। सोसाइटी के अंदर ही पार्क है, सोसाइटी के अंदर ही आपको सारे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, माली, प्रेस वाली, ड्राईक्लीन वाले, सारे के सारे लोग, कम से कम 8 बंदों की लिस्ट है, मैं डाल दूँ, सारे के सारे इन हाउस सोसाइटी के अंदर ही हैं। बहुत बढ़िया है, 3 साइड ओपन फ्लैट है, ड्राइंग रूम, 4 बेडरूम, किचन और बालकनीज, 3 टॉयलेट बाथरूम। जबरदस्त वीडियो होने वाली है, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। और इस फ्लैट की अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर्स पे कॉल करके आइएगा, क्योंकि अभी सैंपल फ्लैट रेडी हुआ है। बहुत सारी विजिट हो रही है, बड़ी मुश्किल से हमको वीडियो बनाने का टाइम मिला है। जल्द से जल्द आइएगा। जो लोग देख रहे हैं ना, बड़ा 4BHK, बड़े रूम्स, बड़ी किचन, किचन देख के तो आपका दिल ही खुश हो जाएगा। इतनी बड़ी किचन दी है इसके अंदर, रूम साइजेस बड़े हैं, टॉयलेट बाथरूम सब बड़ा है, 3 साइड ओपन है, वेल वेंटिलेटेड है। हर रूम के अंदर आपको बड़ी बड़ी खिड़कियां दी हुई हैं, बड़ी बड़ी बालकनी दी हुई हैं। इसके अंदर एक जो मेन बालकनी है, जो कि इस बेडरूम से शुरू होके बेडरूम, टॉयलेट और दूसरा बेडरूम पूरी की पूरी, कम से कम नहीं तो ये अंदाजन होगी 30 से 35 फुट की बालकनी, बहुत बड़ी बालकनी दी हुई है, मजेदार। और सामने पार्क है। तो दोस्तों बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूं मैं फ्लैट। जल्द से जल्द नीचे दिए नंबर्स पे कॉल करके आए। हमारे पास द्वारका के अंदर 2BHK जो हैं वो 60-70 लाख रुपए से शुरू हैं, मतलब 70 से 80 लाख रुपए से शुरू हो जाते हैं। बिल्डर फ्लोर भी हैं, सोसाइटी के फ्लैट भी हैं और DDA फ्लैट्स भी हैं। तीनों अलग अलग तरीके के हैं। सबसे पहले बिल्डर फ्लैट होता है, फिर DDA का, फिर सबसे ऊपर सबसे बेस्ट CGHS सोसाइटी का। बिल्डर फ्लैट आपको 70-80 लाख रुपए से शुरू होकर आपको जाता है 3-4 करोड़ तक, जिसमें 72 गज, 80 गज, 120 गज, 150 गज, 210 गज, 240 गज, 250 गज और 400 गज। और DDA के फ्लैट जनता फ्लैट भी होते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट, MIG, LIG और HIG और सुपर HIG। और कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में तो आपको 2BHK, 3BHK, 4BHK, 2BHK की तो बहुत ज़्यादा मारामारी है, मिलता ही नहीं है, बाकी 3BHK और 4BHK आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्द से जल्द वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूं 4 बेडरूम अरविंद अपार्टमेंट में 3rd फ्लोर पार्क फेसिंग। चलिए तो दोस्तों आइए अब हम एंटर करते हैं। गेट देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल वुडन काम किया हुआ है, सारा का सारा वुडन का काम किया हुआ है, टाइल्स लगाई हुई है, प्रोफाइल लाइट का बहुत सुंदर काम है। प्लीज आइए। तो दोस्तों अब हम आ गए हमारे फ्लैट के अंदर। ये हमारा लिविंग रूम है। लिविंग रूम आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी विंडो दी हुई है इसके अंदर और ये काफी बड़ा है, अंदाजन 21 फुट बाय 12 फुट का ये लिविंग एरिया है, ड्राइंग एरिया हम कह सकते हैं, हम लिविंग तो एक्चुअली काफी दूर तक है, ये प्रॉपर सिर्फ ड्राइंग के लिए रखा हुआ है, ड्राइंग एरिया के लिए, सोफा सेट यहाँ लगाने के लिए। तो आप यहाँ अपना सोफा सेट लगा सकते हैं। ये आपका शोकेस है। फॉल सीलिंग बहुत ही सुंदर दी हुई है, प्रोफाइल लाइट का, कंसील्ड लाइट का, कॉब लाइट का बहुत अच्छा काम किया हुआ है। नीचे जो मार्बल लुक लाइक के अंदर टाइल्स की फ्लोरिंग है, विट्रीफाइड डिजिटल टाइल्स की। तो ये आपका लिविंग एरिया, काफी अच्छा लिविंग एरिया है। आपको AC के पॉइंट्स भी हर रूम के अंदर दिए हुए हैं, लिविंग रूम के अंदर भी हर जगह। मॉड्यूलर स्विचेस हैं, सारे ब्रांडेड चीजें जितनी लगी हैं इसके अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हो, चाहे वो वायर्स हो, चाहे वो सैनिटरी CP फिटिंग्स हो, आपको डोर्स हो, सब ब्रांडेड है, एवरीथिंग इज ब्रांडेड। तो ये हम आ गए हैं हमारे डाइनिंग एरिया के अंदर। दोस्तों कितना बड़ा डाइनिंग एरिया है आप देख सकते हैं। ये अंदाजन होगा मेरे ख्याल से 13 फुट ऐसे है और ऐसे 15 फुट है, तो काफी बड़ा, ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा ही छोटा है, 70% 80% है ड्राइंग रूम के।
काफी बड़ा एरिया है, यहाँ पे आप अपनी डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, 6 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से आएगी, 8 सीटर भी आ सकती है। फॉल सीलिंग बहुत सुंदर की हुई है, वायरिंग दी हुई है यहाँ पे। ये आ गई हमारी किचन। तो मैं जो चीज कह रहा था आपको, किचन जो है ना, देख के दिल खुश हो जाएगा। खासकर लेडीज अगर ये वीडियो देख रही हैं तो लेडीज से मैं दरखास्त करना चाहूंगा, एक बार इस किचन को जरूर देखना, मजा ही आ जाएगा। वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है, व्हाइट और ग्रे कलर में थीम्स हैं, सारे के सारे सॉफ्ट क्लोजर्स लगाए हुए हैं ब्रांडेड, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्रांडेड सारे के सारे ओवन टोस्टर, ये आपका माइक्रोवेव हो गया, ये आपका ओवन हो गया। यहाँ पे आपको ड्राई पेंट्री का एरिया आ गया, आप देख सकते हैं ड्राई पेंट्री स्टोरेज दिया हुआ है। व्हाइट काउंटर टॉप है और नीचे विट्रीफाइड डिजिटल टाइल्स है। ऊपर फॉल सीलिंग बहुत सुंदर की हुई है, देख सकते हैं आप। और ये आपका फ्रिज का रखने का एरिया आ गया, आप चाहे साइड बाय साइड रखें या फिर 3 डोर रखें, कोई भी फ्रिज आप रख सकते हैं। 4 बर्नर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, होब जो है वो भी ब्रांडेड है, और यहाँ पे आपको चिमनी दी हुई है। सारी के सारी ब्रांडेड है, फेबर की चारों चीजें ब्रांडेड है। तो ये हमारी किचन है दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और बेडरूम्स दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हमारा मास्टर बेडरूम, आइए प्लीज। तो दोस्तों मास्टर बेडरूम क्यों है, क्योंकि 17 फुट बाय 12 फुट के आसपास का ये रूम है, जिसके अंदर एक साइड पूरी की पूरी खिड़की लगी हुई है। ये भी सारा का सारा यूपीवीसी का काम हुआ, जितने भी विंडोज हैं पूरी की पूरी फ्लैट के अंदर, और जो एक्सटीरियर डोर्स हैं मेन डोर को छोड़ के, जितने भी एक्सटीरियर डोर है सारे यूपीवीसी हैं। तो ये यूपीवीसी की साउंड प्रूफिंग के लिए हमको विंडो दी हुई है। यहाँ पे आपको ये ड्रेसिंग टेबल दिया हुआ है वैनिटी के साथ, ये आपको अलमीरा दी हुई है, ये हमको अलमीरा दी हुई है, और बाकी जगह आपको छोड़ी हुई है। ऊपर फॉल सीलिंग है और एसी का वायर छोड़ा हुआ है। और मास्टर बेडरूम क्यों बता रहा था दोस्तों, टॉयलेट बाथरूम देखिए, जबरदस्त। मतलब ये इतना बड़ा टॉयलेट बाथरूम है, यहाँ पे अंदाजन 6 फुट का टब आ सकता है। अगर ये हम, ये वैनिटी है, यहाँ पे सारी जैकवर की फिटिंग्स हैं सारी की सारी, आप यहाँ पे 6 फुट का पूरा टब आ सकता है दोस्तों, अगर लगाना चाहें तो। बाकी हमने यहाँ पे कॉर्नर में दिया है, चाहे तो क्यूबिकल लगा के इसको बंद भी कर सकते हैं। फॉल सीलिंग भी दी हुई है, वॉल टू वॉल टाइल्स लगी हुई है, बहुत ही सुंदर। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे बेडरूम में। तो ये हमारा दूसरा बेडरूम है दोस्तों। डायमेंशन की बात करें तो 12 बाय 11 का ये रूम है। आपको ये यहाँ पे भी अलमीरा दी हुई है। जो हमारा मास्टर बेडरूम था वहां से बालकनी की ओपनिंग थी, मैं बालकनी की ओपनिंग आपको इस वाले बेडरूम से दिखा रहा हूँ जो कि दूसरे बेडरूम तक जाती है। आइए मैं आपको पहले बालकनी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब हम आ गए हमारी बालकनी के अंदर। मैंने आपको बताया था 30 से 35 फुट की पूरी बालकनी है लास्ट तक, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर लास्ट तक पूरी की पूरी बालकनी है, और काफी बड़ी बालकनी है ये, आप देख सकते हैं कम से कम 6 फुट की यहाँ पे बालकनी दी हुई है आपको। ऊपर लाइट्स वगैरह लगाई हुई है, फॉल सीलिंग भी हुई हुई है। सामने देखिए, मैंने आपको बताया था पार्क फेसिंग है, 2 पार्क्स हैं इसके अंदर, ये मेन पार्क है इसका और वो किड्स एरिया है, किड्स एरिया छोटा किड्स का पार्क है वो। और इसमें बेसमेंट में पार्किंग है दोस्तों, बेसमेंट पूरी बड़ी बेसमेंट है, आपको 2 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है और आराम से आप गाड़ियां लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए सारे पाम ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं, ट्रैक बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सोसाइटी है, बहुत ही छोटी सोसाइटी है। जनरली छोटी सोसाइटीज में लेते हैं, RWA भी अच्छा रहता है, स्ट्रिक्टनेस अच्छी रहती है और लोग सही से रहते हैं, मतलब जितनी बड़ी सोसाइटी उतना होच पोच हो जाता है। तो छोटी सोसाइटी है, वेल मेंटेन्ड सोसाइटी, RWA बहुत स्ट्रिक्ट है इसके अंदर। सामने आप देख सकते हैं वहां पे OPG स्कूल दिख रहा है आपको, OPG वर्ल्ड स्कूल, तो सेक्टर 19B ब्लॉक में है, आप अंदाजन समझ गए होंगे कि कहां हम खड़े हैं। तो ये हमारी बालकनी है, आइए मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे बेडरूम में। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा बेडरूम है, दिस इज आवर थर्ड बेडरूम। डायमेंशन की बात करूं तो अंदाजन 13x11 का रूम है। यहाँ पे आपको अलमीरा दी हुई है पूरी की पूरी, AC का फिटिंग्स दी हुई है, ऊपर फॉल सीलिंग दी हुई है, फैन दिया हुआ है, और ये UPVC के डोर्स दिए हुए हैं। अगेन ये वही बालकनी है, मैंने बताया था 35 फुट के आसपास की बालकनी है, तो यहाँ से भी वही ज्वाइन करती है। टॉयलेट बाथरूम देखिए दोस्तों, ये कॉमन कम अटैच टॉयलेट बाथरूम है, सारी ब्रांडेड फिटिंग्स लगी हुई है, फॉल सीलिंग है, वॉल टू वॉल टाइल्स लगी हुई है।
और उस कॉर्नर में आपको बेदिंग एरिया दिया हुआ है। ड्राई एरिया वेट एरिया बिल्कुल अलग अलग कर रखा है, पार्टीशन करेंगे तो वेट एरिया कॉर्नर में हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड बेडरूम था। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ बेडरूम। ये हमारा फोर्थ बेडरूम है दोस्तों, इसको सेकंड मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। अटैच टॉयलेट बाथरूम है, वॉक इन क्लोजेट है और ये रूम है। रूम डायमेंशन की बात करूं तो अंदाजन 12x11 का रूम है। फैन दिया हुआ है, फॉल सीलिंग दी हुई है। ये टॉयलेट बाथरूम देखिए दोस्तों, और ये आपका वॉक इन क्लोजेट। लेफ्ट साइड में आपका वैनिटी दिया हुआ है, ड्रेसिंग टेबल वगैरह, और राइट साइड में आपको क्लोजेट दिए हुए हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हमारे वीडियो के एंड में। जबरदस्त फ्लैट, 4 bedroom, 3 toilet, 2 balconies, और एक बालकनी हमने अंदर ले रखी, एक्चुअली 3 balconies थी। मजा ही आ जाएगा दोस्तों आपको फ्लैट देखेंगे एक बार। बहुत अच्छे एस्थेटिक्स हैं, बहुत सोवर डिजाइन किया हुआ है। जितने एक फैमिली को, एक बड़ी फैमिली को चाहिए होता है, उतने बड़े बड़े रूम्स हैं, बड़ी बड़ी किचन है, टॉयलेट बाथरूम, आपको लिविंग एरिया, सारी चीज़ें। बहुत शांत सोसाइटी है। सोसाइटी के अंदर 2 park है, सामने बहुत बड़ा पार्क है। पार्क की ग्लिम्स भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो अगर ये फ्लैट आपको पसंद आया है तो नीचे दिए नंबर्स पे कॉल करके आप आ सकते हैं। लोनेबल फ्लैट है दोस्तों, 3rd floor पर है। 2 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है, लिफ्ट वगैरह सारी सुविधाएं हैं, बिजली पानी तो आपको पता ही है द्वारका में कोई दिक्कत रही नहीं है, 24 घंटे हैं। तो और क्या कहूँ मैं आपसे। कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग अरविंद CGHS के अंदर ये फ्लैट है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हुई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में, और हो सके तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप और देखना चाहते हैं, क्या आपका बजट है। आप हमारे डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं, नीचे दिए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों जल्द से जल्द आएँ, द्वारका में हमारे पास सारे के सारे फ्लैट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो बिल्डर फ्लोर हो, चाहे वो DDA हो, चाहे वो CGHS हो, और साथ में कमर्शियल भी है। जी हाँ दोस्तों, कमर्शियल भी है। क्वेरीज अपनी डालिए नीचे दिए नंबर्स पे और हम आपसे रिप्लाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। प्राइजेस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्राइस डाल रखे हैं। एग्जैक्ट एरिया डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल, एग्जैक्ट एरिया क्या है, सुपर क्या है, कारपेट एरिया क्या है, प्राइजेस क्या है, सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं, देखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।